देश में होबे वाला भ्रष्टाचार आ अनियमितता के निवारण के लेल संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सक्रिय रहल बेर में मदेश प्रदेश सरकार प्रदेश में वही उद्देश्य के साथ प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन के ने करीब 5 महीना से बेसी बीतल लगला पर समेत प्रदेश जनलोकपाल आयोग बिना काम वहीना दिन व्यतीत कर रहा है। शपथ ग्रहण भयो त्यो मितिमा हामीले नियुक्ति पाएर यहाँ चाहिँ आयोगमा काम गर्दैछौँ। यो आयोगमा एकजना म रामशाह यादव अध्यक्ष, दुईजना सदस्यजीहरू हुनुहुन्छ राजकिशोर प्रसाद शाह र अर्को शोभा कुमारी महतो। त्यसपछि 5/78/5/28 गतेको निर्णयअनुसार यो आयोगको निर्णयअनुसार हामीले कर्मचारी कोदरबन्दी र त्यसको लागि चाहिने आवश्यक बजेटको सम्बन्ध हामीले चाहिँ निर्णय गरेर प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी र बजेट समेत चाहिँ माग गऱ्यौँ। माग गरिसकेपछि ठ्याक्कै एकैचोटि 78/17 गतेको प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार कर्मचारी संरचना कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति हो। हामीले माग गरेका थियौँ यो आयोगको लागि 47 जना कर्मचारी, त्यसमध्ये केही कटौती गरेर प्रदेश सरकारबाट 33 जना कर्मचारी कोदरबन्दी यहाँ स्वीकृति भयो र त्यो कर्मचारीको लागि चाहिने आवश्यक बजेट, तर अहिलेसम्म ठ्याक्कै 78/5/22 गतेदेखि आज तपाईँको यो 78/10/21 गतेसम्म ठ्याक्कै कानुन भवन जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 5 महिना पुग्छ। आज 5 महिना भइसक्यो तर कर्मचारीको नाउँमा एकजना कार्यालय सहयोगी पनि प्रदेश सरकारले दिएको छैन, जबकि यो आयोगमा प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी जुन दरबन्दी स्वीकृति गराएको छ। प्रदेश जनलोकपाल आयोगका अध्यक्ष राम सहाय यादव कामकर सचिव त कि कार्यालय सहयोगी समेत एखन धरि नै पाउने उपराग व्यक्त कर रहल छन्। आयोगके तीनू गोटे पदाधिकारी सब दैनिक हरसम्भव कार्यालयमे पहुँच कर अपने खर्च से एखन धरि काम कर रहल बतबैत हो। आयोग में विभिन्न किसिम के उजूरी सब धमाधम आबि रहल रहितो दर्ता होब किसिम के कुल 9 उजूरी एखन धरि दर्ता केने मुदा काम कर नहीं सक रहल धारणा रखे छथि। कर्मचारी के अभाव में अपना सब किछ कर समेत नहीं सक रहल आ बिना काम समय व्यतीत भ रहल हुनका सबके उपराग अछि। कोदरबन्दी यहाँ स्वीकृति भयो र त्यो कर्मचारीको लागि चाहिने आवश्यक बजेट, तर अहिलेसम्म ठ्याक्कै 78/5/22 गतेदेखि आज तपाईँको यो 78/10/21 गतेसम्म ठ्याक्कै कानुन भवन जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 5 महिना पुग्छ। आज 5 महिना भइसक्यो तर कर्मचारीको नाउँमा एकजना कार्यालय सहयोगी पनि प्रदेश सरकारले दिएको छैन, जबकि यो आयोगमा प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी जुन दरबन्दी स्वीकृति गराएको छ 33 जना छ। 33 जनामध्ये 1 जना 11 तहको सचिव स्तरको, 2 जना 9-10 तहको, त्यस्तै गरेर तपाईँको यो 7 र 8 तहको 3 जना, अनि इन्जिनियर 7 र 8 तहको 1 जना, त्यस्तै कानुन अधिकारी पनि 1 जना, अनि सहायक प्रशासन सुभा सरको 8 जना, अनि एउटा तपाईँको यो सूचना अधिकृत 1 जना, अनि 4 जना कम्प्युटर अपरेटर, त्यस्तै कार्यालय सहयोगी 5 जना, अमिन 1 जना, अनि हल्का सवारी चालक 5 जना, अनि कार्यालय सहयोगी 5 जना गरेर तपाईँको 33 जना कर्मचारी स्वीकृति दरबन्दी गरेका छ, तर 1 जना पनि हामी कर्मचारी अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। र त्यो कर्मचारी मात्र होइन, बजेट पनि 1 पैसा भदौ 22 गतेदेखि लिएर आजसम्मको मितिमा हामीले प्रदेश सरकारबाट 1 पैसा पनि बजेट पाएका छैनौँ। तलब पनि हाम्रो त छोडिदिनुहोस्, हामी पनि पाएका छैनौँ र हामीले आफ्नै तर्फबाट अहिलेसम्म हामीले आफ्नो कुक हामीले राखेको चाहिँ ड्राइभरको तलब हामी आफैले दिनु परेको छ। आयोग 5 महिनामै एखन धरि 1 रुपियाँ समेत बजेट नै पाउने अछि। शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण के बाद भादो 28 के पहिल निर्णय अनुसार शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण केला के बाद बीतल भादो 28 गते के आयोग के पहिल निर्णय अनुसार सचिव से लक कार्यालय सहयोगी धरि कुल 47 कर्मचारी माग कल गल। तक बाद बीतल अगहन 17 गते
मधेश प्रदेश सरकार मंत्री परिषद के निर्णय से 47 मध्य 33 कर्मचारी के दरबंदी स्वीकृत समेत कैल गेल, मुदा एखनो न एकटा कर्मचारी आ न एक रुपया बजट आयोग पौने अछि। प्रदेश जन लोकपाल आयोग गठन के एन के उद्देश्य पूर्ति के लेल एखन धरि प्रदेश सरकार नियमावली समेत बनाब नहीं सकल अछि। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यो सबै को चाहिँ उद्देश्य परिपूर्तिको लागि यो आयोग गठन भएको छ र त्यो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि अथवा यो जनलोकपाल ऐन जुन छ प्रदेश जनलोकपाल ऐन त्यो ऐनको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि प्रदेश सरकारले नियमावली दिनुपर्ने बनाएर त्यो दिएको छैन। ऐनको प्रत्येक दफा कार्यान्वयन गर्नको लागि नियम चाहिन्छ, नियम पनि छैन प्रदेश सरकारले दिएको। ऐनको दफा 52 प्रश्न लेखेको छ कि यो ऐनको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि प्रदेश सरकारले नियम बनाइदिने छ, त्यो नियमको पनि अभावमा काम गर्न गाह्रो भइरहेछ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रदेशमै सुशासन कायम गर प्रदेश जनलोकपाल गठन कैल गेल दावी केने रहितो आयोग के अवस्था दयनीय देखल जा रहल अछि। आयोग के अध्यक्ष यादव आ सदस्य द्वय राजकिशोर प्रसाद शाह आ शोभा कुमारी महतो कार्यालय आबि रहल रहितो किछु कर नहि सकि रहल छनि। नागरिक समाज के अगुवा लोकनि प्रदेश सरकार एहन आयोग तहिना विभिन्न विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान सहितक निकाय सब गठन केने रहितो उ निकाय काम कर नहि सकनाय प्रदेशे सरकार के असफलता रहल धारणा रखै छथि। तेनाहिते अभी जे अपना सबके मधेश प्रदेश में जे जन लोकपाल विधेयक पारित भेलै ओकरा बाद लोकपाल सबके नियुक्ति भेलै 5-6 महीना भ गेलै, लेकिन अभी सुनलिए कोई उजरियो देव जाए छे, कोई शिकायतो कर जाए छे, तो ओकर निवेदन ले वाला कोई व्यक्ति नहीं छे। तो सारा जे ओकर सिस्टम छे, जब अपने सिस्टम के अहाँ चुस्त दुरुस्त नहीं करबे ताबे ओकर कोनो निष्कर्ष परिणाम नहीं निकल सके छे। तैसे क्रियान्वयन के पक्ष जे छरितो आ मीठो हो पड़े आ तुरंत के तुरंत कार्रवाई हो पड़े। एकरा जे है जन लोकपाल विधेयक जे गठन के लिए जे उद्देश्य से गठन के लिए से परिणाममुखी हो पड़े। जनलोकपाल आयोग में मात्र नहीं भ मधेश सरकार गठन केने मीडिया काउंसिल आम संचार प्राधिकरण दलित विकास समिति सहितक करीब आधा दर्जन निकाय सब बजट आ कर्मचारी के अभाव में बिना काम ओहिना समय व्यतीत कर रहल अछि। ई निकाय सब प्रभावकारी रूप में काम कर नहीं सकला से एक प्रकार से मधेश सरकार के असफलता भीतर गिनती भ रहल अछि, मुदा तैयो मधेश प्रदेश सरकार किछ कर नहीं सक रहल अछि। गठबंधन के सरकार बनला के बाद और ई निकाय सब किछ कर के अवस्था में नहीं देखल जा रहा है। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह जनकपुर धाम।